गुलाबी नगरी में हम एंटर कर चुके हैं और आज इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे पहले तो ईसल्ला टावर, फिर हवा महल और तीसरा जंतर महल। अभी यहाँ पे सिंधी कैंप पे मैं इसलिए आया हूँ पहले कि भाई आपको दिखा दे कि यहाँ पे जो सिंधी कैंप है, यहाँ से सीधे आपको कहीं से भी आ रहे हो ना तो यहाँ पे इजीली आपको बस मिल जाएंगे, यहाँ पे ई रिक्शा भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये आपको जैसे दिल्ली के लिए जाना है, जब मुंबई के लिए जाना है, मुंबई बोल रहा हूँ, कहीं से भी जाना है ना तो यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। और वो अपने अज्जू भाई तो वो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनसे कुछ सारे टिप्स लेंगे और ट्रिक्स लेंगे कि कैसे कैसे क्या काम करना है अपने को, ठीक है। थोड़ा सा वो ग्रोथ में अपने हेल्प करेंगे, बोल रहे हैं इतने दिनों से वेट कर रहे हैं कि भाई तू आ जा फिर ब्लॉग शुरू करते हैं। अब उसी के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी आ गया, नहीं तो मेरा तो कोई प्लान नहीं था, सडन प्लान बना, मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो करवाई और सीधा फिर मैं इधर सीधा पहुंच गया। और एक और पॉइंट कि जैसे मैं लुधियाना से आया सीधा, ठीक है, सिंधी कैंप पहुंचा, सिंधी कैंप में मेरे को जो सीधी यहाँ पे बस आई है ना मेरी, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं था मेरे को, मैं भी ये दो जगह स्टॉपेज होगा, एक तो खाने के लिए और जहाँ पे इन्होंने बीच में रोका कहाँ पे वॉशरूम जहाँ पे होगा, तो बस दो जगह स्टॉपेज लिया, उसके अलावा कहीं पर स्टॉपेज नहीं लिया। और मेरे को जो वोल्वो की टिकट पड़ी है वो 1600 की पड़ी है, और जो मैं लालू के साथ आया तो मेरे को जो डबल मैंने सीट ली थी तो उसमें मेरे को मेरे 3000-3200 के बीच में थी उस टाइम। जैसे कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ ना, सबसे पहले पॉइंट पता क्या है कि कभी भी आप भी ट्रैवल करो ना, हमेशा बस स्टैंड, जैसे कि अब ये मेरे को होटल दिख रहा है ना, बस स्टैंड के पास या तो रेलवे स्टेशन के पास, ऐसे आप देखा करो कि यहाँ भी आपको होटल मिल जाए, नहीं तो आप इधर उधर भटको, मैप में देखो उधर गुआई भी, इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए यही है कि हाँ भी आप ऐसे आपको नज़दीक होटल मिल जाएंगे। जैसे ये होटल मिल गया आपने को, ये होटल रूफ टॉप है, ये टाइप के होटल देखो। सबसे प्लस पॉइंट पता क्या है कि अगर इसके पास भी लेते हैं ना तो अपने को कोई रेंट एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, ये 1500-2000 के बीच में होगा, मैक्सिमम 2500, नहीं तो आप देखोगे ना गोवा भी बहुत इधर उधर जाओगे तो वो आपको मतलब भाई साहब 4000 प्लस, इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कभी भी आ रहे हो ना तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास ही अपना। मार्केट है, मैंने पहले भी आपको शायद बताया था कि एक बार इधर एक्सप्लोड हुए थे, बम लगे थे तो सारी तरफ बम हुए थे, ये देख लो आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा, तो इसलिए हर साल ये मार्केट रिकंस्ट्रक्ट होती है। और ये अब जा रहे हैं अपना पहले हवा महल की तरफ, तो 1252 पे निकले थे यहाँ से, 10-15 मिनट ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे अपना। और टाइम आपको दिख रहा हो पूरा 1:52, 12:52 पे निकले थे और अपने को तकरीबन 8 मिनट लगे, ज़्यादा कुछ नहीं लगे, ठीक है। और यहाँ पे जंतर मंतर सिटी पैलेस देखने के लिए आए हैं, पहले यहाँ पे ना सारा हवा महल वगैरह ये सारे आसपास ही हैं, कोई दूर दूर नहीं है। और यहाँ पे अपने पार्किंग में गाड़ी लगा दी, अज्जू भाई लेके आए थे अपनी गाड़ी, तो और इस बार गट्टू ने भी अपने को ज्वाइन किया, ये तो पहले नखरे कर रहा था लेकिन इसको ज्वाइन करवा ही लिया गाड़ी लगाते समय। अब गट्टू के साथ सीन क्या है कि अंदर फंस गया ना, इधर से निकल सकता ना उधर से, तो अंदर फंसा उस बात क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मैं पीछे से निकल जाता हूँ। अब इसको यार बोल रहे हैं कि गाड़ी पीछे करके तू ऐसे लगा तू बाहर इजीली निकलेगा। वो सामने आपको दिख रही होगी पार्किंग, वहाँ से थोड़ा सा आगे चलते आपको दिखेगा ईसल्ला टावर, और ये थोड़ी सी हिस्ट्री जयपुर ईसल्ला टावर के बारे में। ये टिकट प्राइस है फॉरनर के लिए 1100 रुपये और इंडियन टूरिस्ट के लिए 420 पर। इसका ये सिस्टम बता दो कॉम्पोजिट टिकट का, जिसमें इंक्लूड किया गया होगा अल्बर्ट हॉल, अंबर फोर्ट, जंतर मंतर, नारगढ़ फोर्ट, हवा महल, ईसल्ला, सिसोदिया और विद्याधर नगर। अगर आपने सिर्फ ईसल्ला टिकट देखनी है टिकट, उसकी सिर्फ फॉरनर के लिए 205 रुपीज़ और जो इंडियन है उसकी 55 रुपीज़। और स्टूडेंट्स का अलग पैकेज होता है इनका, हमेशा फॉरनर के लिए और इंडियन स्टूडेंट्स का अलग होता है। मेरी इसमें ना मेरे ख्याल से आईडी मांगते हैं ये। ईसल्ला टावर का क्या है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के ईश्वर सिंह और दूसरे उनके पुत्र सवाई माधो सिंह, उनके बीच में पद के लिए
लड़ाई हुई थी और जो सवाई ईश्वर सिंह के विजय होने पर, ये देखो विजय होने पर जो इन्होंने बनाया उसका नाम इसरलाट रखा गया। ये सारे चीज़ें ना 10-10 मिनट की दूरी पे, इसीलिए मैंने आपको सिंधी कैंप का बताया क्योंकि वहाँ पे आप उतरते हो तो आपका 10 मिनट, फिर उसके बाद इसरलाट का, फिर 10 मिनट का हवा महल का, 10 मिनट 15 मिनट जंतर मंतर का, इसीलिए ये पास पास में, इसीलिए मैंने आपको सिंधी कैंप का ही बताया कि अगर आप उतर रहे हो तो वहीं पर उतरो, बहुत आपको बस से इधर नज़दीक पड़ेगा। और अब आप निकलने लगे हैं यहाँ से सीधा हवा महल के लिए। बाहर बाहर से तो सबने देखा हुआ है कि कैसा है, आज मैं अपने आपको अंदर से दिखाऊंगा कि हवा महल कैसा दिखता है अंदर। तीन दोनों के पड़े 156 और ये टिकट काउंटर, यहाँ से अपने को टिकट पड़ेगी, ये लिखा भी हुआ है भारतीय टिकट 52%, ठीक है, पर पर्सन की है। भारतीयों के विद्यार्थी के लिए 22, विदेशी के लिए 202 और विदेशी विद्यार्थी के लिए 102, ये टिकट प्राइस है। और वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे इधर कार पार्किंग के लिए स्पेस है लेकिन जैसे फुल हो जाती है ना तो फिर यहाँ पे गाड़ी अलाउड ही नहीं होती। तो इसरलाट से निकल के फिर सीधा हवा महल आए हैं, तो वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर का पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसरलाट की पार्किंग में आप अपनी गाड़ी पार्क करो और सीधा वहाँ से 10 रुपये लेगा पर पर्सन की मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो वो लेके सीधा यहाँ पे आओ। और जो आपको टिकट प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आपको यहाँ पे भी पार्किंग लगानी पड़ेगी, पार्किंग में दिक्कत होगी, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इसरलाट में लगा के अपनी पार्किंग आगे बढ़ो। और जो यहाँ पे स्टेयर्स है ना वो आपको इस तरह से ही देखने को मिलेंगे, जैसे स्टेप्स नहीं होंगे, यही स्टेयर्स होंगे ऐसे। भाई ये जो खिड़की है ना, हाँ, अब मेरे को बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है ये खिड़कियों से, और देखो कितना मस्त दिख रहा है यहाँ से, ये खिड़कियों में से ना हल्की हल्की हवा ऐसे आ रही है, इसीलिए यहाँ से जो खिड़कियाँ बनी हुई है ना इस प्रकार से, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। मेरे को इतने शेयर से ऊपर चढ़ गए ना भाई साहब, हालत पूरी ख़राब हो गई थी, अब हवा लगी तो अच्छा लग रहा है। इसमें आपको स्तंभ दिख रहा है ना ये, हाँ, तो ये है इसरलाट और ये अपन एंटर कर चुके हैं हवा महल। ऑलरेडी यार यहाँ पे शॉट लेने के बहुत क्राउड हो गया। हवा महल की इनर साइड है तो ये तो आपको यहाँ पे 5-6 खिड़कियाँ दिख रही है, बाहर से आप देखोगे ना तो भाई आपको पता लगेगा, इसीलिए बोलते हैं कि सारा जो व्यू मेन है तो वो है बाहर का। साइड से ना आपको फ्लोर्स दिखने में देखने को मिलेंगे, जैसे वो फर्स्ट फ्लोर है, वो सेकंड है, थर्ड है, फिर फोर्थ है, फोर्थ या फिफ्थ जो भी है, ऐसे फ्लोर्स बने हुए। और ये भी एंट्रेंस है, आपको राजस्थानी के गाने दिखा दें, भाई बोल रहे कि एक मारवाड़ी में गाना सुनाते हैं, सुनो। जो आपको अच्छा लगे। यहाँ के रहने वाले, वो अगर मैं यहाँ का नाम ना, मेरे को इतना है कि यहाँ भी यहाँ का रहने वाला इंग्लिश है, पता है अपने को यहाँ पे क्या सिस्टम चलता है, तो बोल रहे भाई गाना गाया उसके कुछ पेमेंट वगैरह दे, तो वाह यार सही है। हवा महल मैंने भी कितनी बार बाहर से देखा है लेकिन फर्स्ट टाइम अगर मैं अभी अंदर से देख रहा हूँ कि अंदर से देखने में कैसा लगता है, और एक्सपीरियंस अंदर से भी बहुत अच्छा लगा। अगर फोटो वगैरह क्लिक करना है तो करानी है सिर्फ, तो वो बाहर के लिए है दो, तो अगर आपने फोटो वगैरह करानी है ना तो वो सिर्फ बाहर बाहर से कराओ, अगर आपने पूरा व्यू का एंजॉय करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है
कि आप अंदर भी एक बार हवा महल से बाहर निकलते ना आपको मार्केट देखने को मिलेगी, जहाँ भी आप चमड़े का सामान ले सकते हैं, जैसे ये लेडीज़ के लिए भी जुत्ती और कपड़े राजस्थानी स्टाइल। अज्जू भाई अपने जो अपने को ट्रिक्स बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये चीज़ जैसे मेरे को चीज़ कोई बोल रही है ना तो वो बता रहे हैं कि यार ये तू शूट कर ले, ठीक है। आप जैसे ये कोई चीज़ बोल रहे तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो अपने ये चीज़ बोली आप देख लो, तब जैसे ये सीन बोल रहे थे ये शूट करना है तो भाई बोल रहे हैं हाँ चल मैं भी शूट कर लेता अच्छा रहेगा। और वो आपको दिख रहे हैं ना रूफ टॉप फ्रंट व्यू के लिए, तो भाई सिर्फ कुछ नहीं है, आपके चार्जेस ले लेंगे सिंपल एक फ़ोटो खींचने के लिए बस, और कुछ चीज़ नहीं है। मेरे पहले माइंड में था कि यार चलते हैं चलते हैं, देखते दो तीन बार आ गए, लेकिन कुछ नहीं है भाई, पैसे का सिस्टम और ऐसे। आपको ये पार्ट कंस्ट्रक्शन कराई दिखाई दे रहा है ना उसी तरह से भाई, अब क्या है कि जंतर मंतर का पता लगा कि वहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो भाई बोल रहे हैं रहन देते हैं कोई फ़ायदा नहीं, फिर जाएंगे वापस आएंगे, इसलिए वहाँ का थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया भाई। तो सिटी पार्क पहुँच चुके हैं, पहले दिखा दूँ आपको, कैमरा अलाउड नहीं है, 200 रुपये ठीक है, जितने जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वही खर्च करेगा। दूसरा 20 रुपये अपने को पर पर्सन की टिकट पड़ी, और टोटल अपने फोर व्हीलर लगा के अपने को 110 की टिकट पड़ी है। तो अब क्या है कि भाई साहब अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन छोटी सी ट्रिक देखते हैं कि अपनाते हैं, अगर लगेगा तो ठीक है नहीं तो रहने देंगे। कैमरा लेके जाएंगे गोप्रो अपना, लेकिन ट्राईपॉड नहीं लेके जाएंगे इस बार, भाई भी यही बोल रहे हैं वो निकाल दे सीधा कैमरा ले चल, अगर अंदर कोई बोलेगा चूचा करेगा फिर भाई रख देंगे। और ये सिटी पार्क की एंट्रेंस है भाई, इधर से एंटर करना है, वहाँ पे पार्किंग इसके एक साइड और यहाँ पे एंट्रेंस, और एंट्रेंस करते ही आपको ये ब्रिज दिखाई जिसमें लाइटिंग शो होगा रात को, अभी नहीं रात को, और सामने शाम बिल्कुल तिरंगा, और ये स्टैचू भाई साहब जो राजस्थान की शान बोलते हैं, मूछों के साथ पगड़ी के साथ एक राजस्थानी आदमी। थोड़ा सा आगे आते आपको ये स्टैचूस दिखाई देंगे, चीज दिखाऊं वो देखो, मैं सोच रहा था ना बैक साइड आंटी के, हाँ दिस वन, मैं बोल रहा था ना कि भाई कैमरा निकाल लेंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पे पूरी पहले ही ऑलरेडी भाई इन्होंने सिक्योरिटी उठाई हुई है, कैमरा निकाल लेंगे तो बड़े बेटी हो जाएगी फिर उसके बाद दिक्कत। और ये स्टैचूस के जस्ट पीछे क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है अभी, ये भी मेरे को लग रहा था ये छोटा सा ही, लेकिन ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, ये भी बन रहे हैं। और इधर अपना भाई ज़्यादातर ना मैंने यहाँ पे देखे क्या चीज़, ज़्यादातर अपने फ़ोटो शूट करवाने के लिए, वहाँ पे भी इतना फ़ोटो शूट का क्राउड चेक कर लो आप, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा, और यहाँ पे भी चल रहा भाई, और आपके पास 4 पैसे ज़्यादा है ना भाई तो गोश्त कार्ट में भी घूम सकते हो आप। ये आपको पूरे पार्क के चार्जेस इसके मैंने पूछे नहीं, अभी बाहर से पता लगेंगे ये अपने को, मैंने इसके पूछे नहीं क्योंकि हम तो पहले ही ऑलरेडी गाड़ी में ये 7-8 जने जैसे ही लेके जाते हैं। अब आपको एक चीज़ बताऊं क्या कि भाई साहब जैसे मैंने सुबह घूमे ना हवा महल रिसला टावर, वहाँ पे घूमने के बाद ठीक है, मार्केट थोड़ी सी एक्सप्लोर करने के बाद जैसे आप बाहर से आए हो शॉपिंग वगैरह तो करोगे, तो शॉपिंग वगैरह करने के बाद उसके बाद शाम के टाइम जैसे अब ये टाइम है ना मस्त थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, तो यहाँ पे आओ अपना पार्क में घूमो ठीक है। सिर्फ क्या बोलूँ 5-6 स्टैचू हैं ठीक है, और कुछ नहीं है, 5-6 स्टैचू, तिरंगा, और जो पीछे आपको दिख रहा होगा देख है ना वो, बस यही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ मैं यार तुम बहुत रोला डाल रहे थे कि इतनी देर हो गई कि हाँ वहाँ पे बहुत मस्त जगह है, बहुत मस्त जगह है, बोला सारा रोला जो आपको टावर दिखाया ना अंदर एंट्रेंस पे उसका ही रोड़ा है, जो मैं दिखाया है कि जहाँ पे इस फोटो शूट चल रहा है वही है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ये बोर्ड दिखाया हुआ है गेट नंबर 2, द व्यू डेक, द ग्रैंड टेरेस, ट्रैम, समर पिकनिक स्पॉट, लोअर लेक, फ्लैग पोस्ट, भाई जो ये एरो दे रहे हैं ना ग्रैंड टेरेस व्यू 4 चीज़ों के, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है।
जो मैं आपको बता रहा था ना वो आपको दिख रही हो, हाँ जो गाड़ी जा रही है पूरे 100 रुपीज पर सवारी पर्सन। तो ये आपको पूरे ग्राउंड का ऐसे चक्कर ला के देगी और बस 100 रुपये। मैं बोल रहा हूँ ना जिनके पास ज़्यादा पैसे वही भाई ऐसे घूमते हैं। बोल रहा हूँ ना कि पूरी तरफ चारों तरफ सिक्योरिटी टाइट है, ये देख लो सिक्योरिटी रखी हुई है इन्होंने। और मैं कैमरा निकालूँ तो ये अंकल जी अपने को बोले हैं, यही अंकल ने अपने को बताया कि भाई ये 100 रुपीज पर पर्सन सवारी है। करने के पास भी आई गई भाई, यहाँ पे तो ना लाइटिंग दिख रही है कि हाँ यहाँ पे तो लाइटिंग शुरू हो गई है। अब मेरे को वहाँ तो पता लग नहीं रही, यहाँ से जाके देखते हैं वापस जब जाएंगे। और 1 2 3 एक चीज बोलूं, जो बोलते हैं ना कि राजस्थान में पानी की कमी है, ग्रीनरी की कमी है, इस वीडियो में दोनों कवर कर दिए। ग्रीनरी भी है, पानी भी है, और यहाँ पे भाई व्यू भी बहुत सही है। और भाई साहब ये अपना लास्ट पॉइंट जहाँ पे तिरंगा अपने को देखने को मिलेगा, और उसके बाद वापस यहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जा। अभी ना अंडर कंस्ट्रक्शन है 3-4 चीज़ें, जैसे एक ये अभी ये एरिया, और एक वो जो आपको बोर्ड के सामने दिखाया था, और एक स्टैचू उसके पीछे। 3 एरिया ये कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेरे को लगा ये पूरा बना पड़ा है लेकिन ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग। भाई साहब तो पूरे पार्क की लाइट चालू हो चुकी है और बस इसकी लाइट ऑन होने रहेगी, और इसके कारण ही बोल रहे बहुत मस्त भी होता है। देखते हैं नाइट रो थोड़ा सा, मैं तो बोल रहा हूँ भी हो जाए भाई, 6:30 हो चुके हैं साहब, इतना मस्त। ओए हो, मैं बोल रहा ऐसा पार्क कभी नहीं देखा, सारी फेक एक्साइटमेंट पता लग गया मेरा, कट चुका है सही बता। गो विद मी द बुर्ज, मीट दिस सैटरडे, वी विल टेक यू टू द बुर्ज। पक्की बात, तू लेके जा रहा है। अब नहीं बोलेगा आगे आगे बंद। भाई साहब एक चीज मेरे को समझ नहीं, वो क्या, इसके 200 रुपए किस चीज के इस पार्क में घूमने के, इसमें क्या है भाई? मेरे को खास तो कुछ लगा नहीं इतना। और आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस पार्क में क्या स्पेशल लगा। निप्पे नुब्बियों के लिए भाई साहब ये खास है, क्योंकि यहाँ भी ये उनको देख के ओह भाई साहब ये इतना बढ़िया, ओह हो ये भाई साहब फेक एक्साइटमेंट है ये मेरे लिए, तो जो है वो है। इस टावर के चक्कर में भाई साहब भीड़ देख लो यहाँ पर। अब अपने को भी एक आधी फोटो लेनी है थंबनेल के लिए, लगाने के लिए। भाई साहब 20 रुपये के अकॉर्डिंग तो मेरे को ठीक है, चलो 20 रुपये ओके था। अब मैं बाकियों की तरह नहीं बोलूँगा ओहो बहुत अच्छा था, ठीक था 20 रुपये के अकॉर्डिंग। पर यार मेरे को वो कैमरे का सिस्टम नहीं समझ आया कि हाँ भी 200 रुपये कैमरे का समझ नहीं है, पता नहीं क्या बोल रहे कि हाँ भी कपल के लिए, और मैं जो क्या बोलते प्री वेडिंग शूट उसके लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन ठीक था। हाँ प्री वेडिंग के लिए पता नहीं, अभी भाई अपनी शादी हुई नहीं, तो वो भी देखेंगे कि ऐसी लोकेशन सही रहती है क्या। हाँ जी, तो सिटी पार्क से अब अपने घर के लिए निकल चुके हैं और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, और आपने जाके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट के लिए। राम राम, गुड बाय।